आ जाओ सतीश। अरे आंचल, देखो कौन आया। ये मेरा दोस्त सतीश है। ये बेचारा अपनी आंखों से देख नहीं सकता, तो क्या है कि इसे अपनी आंखों का इलाज इसी शहर में रहकर कराना है। तो मैंने कहा कहाँ बेचारा भटकता रहेगा, तो ये दो चार दिन हमारे साथ ही रहेगा। तुम इसका ख्याल रखना। तुम इसे इसका रूम दिखाओ, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ, ठीक है सतीश? भैया क्या नहीं, सतीश मैं ना भाई काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो तू आंचल को बोल दियो, ठीक है? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं भाभी जी को पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ। अरे नहीं भैया, इसमें कैसी परेशानी, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। जी भैया। भाभी जी दरअसल मुझे ना वॉशरूम जाना था। भैया यहाँ नहीं, इधर। भाभी जी कितना बढ़िया स्मेल करती है, उनके हाथ कितने मुलायम है। मैं ना भाभी जी को कैसे मस्त करूं। अब लग गया है सही जगह पे कैमरा, और अब आएगा भाभी जी का नहाते हुए वीडियो, फिर भाभी जी आएंगे काबू में। भाभी जी के कितने मुलायम हाथ हैं, भाभी जी को तो काबू में करके रहूंगा। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ बोलो। अरे भाभी जी वो मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, बहुत जोरों से प्यास लगी है। अभी लाती हूँ। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप, मुझे ना पानी की प्यास नहीं है बल्कि आपके जिस्म की प्यास है। अरे भैया छोड़ो, आप देख सकते हो मतलब ये सब कुछ आप ड्रामा कर रहे थे। मुझे दिखाई भी देता है और आपको भी कुछ दिखा दे रहा हूं। ये क्या है, और तुमने मेरी वीडियो कब बनाई? भाभी जी वो सब छोड़िए, मैंने वीडियो कब बनाया, आप बस ना मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए। देखो अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, मैं आर्यन को सब बता दूंगी। ना ना ना, ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने आर्यन को कुछ भी बताया ना तो ये मुंह दिखाने के लायक छोड़ूंगा नहीं मैं, समझी? अरे भाभी जी भैया आ गए, दरवाजा खोला ये, जाइए। भाभी जी। और भाई सतीश क्या चल रहा है? हाँ बढ़िया भाई। वैसे डॉक्टर ने तुझे कौन सी डेट दी है? अब भाई एक महीने की, एक दो दिन की। अच्छा
एक दो दिन की डेट दी है तुझे डॉक्टर ने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक दो दिन तो कैसे सरवाइव करे बिना आँखों के। हाँ भाई, परेशानी तो हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि बिना आँखों के किसी इंसान को कितनी परेशानी होगी, है ना? हाँ। अरे भाई, ये क्या कर रहा है? अरे सतीश, आते 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 खड़ा खड़ा खड़ा। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, मैं डॉक्टर बन गया। और देख, तू अपनी इन आँखों से देख सकता है। भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मेरी आँख एक महीने पहले ही ठीक हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे। गलती हो गई? हाँ गलती हो गई। मुझे ना तभी तुझ पे शक हो गया था जब मैं तेरे डॉक्टर से जाके मिला और उसने मुझे बताया कि तेरी आँखों का इलाज एक महीना पहले ही हो चुका है। तो फिर तू अंधा बनने का नाटक क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था? मैं बताती हूँ। दोस्त माना था तुझे मैंने, दोस्त, पर तूने क्या किया? हाँ अपनी भाभी के साथ ही ये सब। भाभी माँ समान होती, तूने ना इस अर्थ का मतलब ही बदल के रख दिया। आज मुझे घिन आ रही है कि मैंने तुझे अपने घर में जगह कैसे दे दी, रहने कैसे दिया। इससे पहले कि मैं पुलिस के हवाले करूँ ना तुझे, निकल जा मेरे घर से। तूने तो दोस्ती की कोई इज्जत नहीं छोड़ी, लेकिन मैं फिर भी छोड़ रहा हूँ तुझे, छोड़ के पुलिस के हवाले ना करके। निकल जा मेरे घर से, है निकल। ठीक हो ना तुम? ठीक।